अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, हम अगेन हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और हम ईडियम्स का पांचवा लेक्चर करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लें ताकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ताकि तमाम ईडियम्स आपके कवर हो जाएं। मैंने कोशिश की है कि कुछ ईडियम्स को इस तरह से कराया जाए एक तरतीब के साथ और पिक्चर्स के साथ ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं। और ऑलमोस्ट जितने भी ईडियम्स हैं, तकरीबन 1000 के करीब ईडियम्स हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और मुख्तलिफ बुक्स में मौजूद हैं, उनको मैंने एक जगह कंपाइल किया है और इन तमाम जो सीरीज़ हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे, तमाम ईडियम इसी एक प्लेटफॉर्म पर आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला ईडियम है वो है मम्मीज़ बॉय या मामाज़ बॉय। कोई बंदा जिसे हम अपनी ज़बान में माँ बच्चू कहते हैं, जो बंदा बहुत ज़्यादा माँ के साथ अटैच्ड होता है, हर बात बताता है या बहुत ज़्यादा माँ से मोहब्बत तो खैर सभी करते हैं, लेकिन जो ओवर होता है बहुत ज़्यादा माँ के साथ अटैचमेंट में, हर बात जाके बताना, हर बात मानना, उसे कहते हैं मामाज़ बॉय या मम्मीज़ बॉय। ठीक है, ये आपने ईडियम याद रखना है। अगला है एवरीवन एंड देयर मदर। एवरीवन एंड देयर मदर, इसका मतलब है ज़्यादातर लोग। जब हम कहते हैं कि मतलब कोई इवेंट है वहाँ पर ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, तो हम कहेंगे एवरीवन एंड देयर मदर्स वर देयर, मतलब बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे। ज़्यादातर लोगों की जब बात की करनी होगी तो हम कहेंगे एवरीवन एंड देयर मदर। बाकी मदर टंग ये कॉमन है, जो आपकी ज़ुबान है, जो आपकी मादरी ज़ुबान है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको मदर टंग कहते हैं। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आपके पास ईडियम है मदर विट। याद रखें, विट का वर्ड बहुत ज़्यादा ईडियम्स में यूज़ होता है। विट का मतलब है दिमाग, अकल, आपकी समझ बूझ। तो मदर विट का क्या मतलब है? कॉमन सेंस। जब आप किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए कॉमन सेंस, मतलब आप कॉमन सेंस से ही किस चीज़ को गैस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो आप मदर विट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है आपके पास मदर नेचर। हमारे आसपास जो नेचर है, नेचुरल वर्ल्ड है, उसके लिए मदर नेचर का वर्ड अक्सर आपने सुना होगा, यूज़ किया जाता है कि केयर द मदर नेचर, डोंट डिस्ट्रॉय द मदर नेचर। मतलब जब आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये जब ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है वर्ड, कि मदर नेचर को डिस्टर्ब कर दिया गया है, मदर नेचर को जो उसका नेचुरल क्लाइमेट है उसको चेंज कर दिया गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमिटीज़ हो रही हैं। तो मदर नेचर का क्या मतलब है? नेचुरल वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए हम मदर नेचर का वर्ड यूज़ करते हैं। अगला है मदर सुपीरियर। मदर सुपीरियर है, ये हेड नन को कहते हैं। नन क्या है? याद रखें, जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं, पादरी, और नन्स होती हैं। नन वो होती हैं जो चर्च में काम करती हैं, वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करती, मतलब वो सिर्फ अपने आप को डिवोट कर देती हैं खुदा की उसके लिए, इबादत के लिए, तो उनको नन कहते हैं। तो उन नन्स की भी एक जो हेड होती है उसे हम क्या कहते हैं? मदर सुपीरियर। मदर सुपीरियर, सिस्टर का वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है नन्स के लिए, तो जो हेड नन होगी, जो सबकी इंचार्ज होगी, तो उसके लिए मदर सुपीरियर का वर्ड यूज़ होगा। मदरशिप, ये भी उसी तरह मदरशिप है, अ वेसल दैट सर्विस अदर ऑपरेटिंग फार फ्राम अ होम। अच्छा, एक वेसल है, एक जहाज़ है जिसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि उस समुंदर में जितने भी और जहाज़ हैं उन तमाम को उसी एक से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसे बड़े जहाज़ को हम मदरशिप कहेंगे। मदरशिप का क्या मतलब है? जिस तरह माँ एक बैठी है घर में और वो सारे घर को कंट्रोल कर रही है, भाई बच्चे जहाँ पर भी हैं उन तमाम मामलात को देख रही है, इसी तरह एक मदरशिप का मतलब ये है कि एक बड़ी वेसल है, एक बड़ा जहाज़ है जो कि किसी पोर्ट पर या अपने होम कंट्री में मौजूद है और उस कंट्री के जितने भी जहाज़ मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं उसको वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। अगला है मदर हैन। मदर हैन, मदर हैन मिसाल इसकी जैसे लें, ओवर प्रोटेक्टिव मदर। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा फिक्र करती हैं, बहुत ज़्यादा हर वक्त परेशान रहती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओवर प्रोटेक्टिव मदर, मदर हैन। जैसे मुर्गी क्या करती है? अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा के हर वक्त रखती है, या जब कुछ खिलाना पिलाना होता है तो खुद मुँह से देती है। इसी तरह मदर हैन का मतलब होगा ओवर प्रोटेक्टिव मदर, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को लाड कराती है।
अगला है नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तो कॉमन है, आपने बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, कि जहाँ पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है अल्टीमेटली उस चीज़ का रास्ता निकल आता है। अगला है मम्स द वर्ल्ड। मम्स द वर्ल्ड का क्या मतलब है? कोई मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको कोई राज की बात बता रहा हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ कि मम्स द वर्ल्ड, मतलब इस बात को, इस राज को आपने डिस्क्लोज नहीं करना, किसी को बताना नहीं है, कोई चीज़ आपने अपने तक रखनी है, तो उसके लिए कहा जाता है कि मम्स द वर्ल्ड। बिल्कुल मम्स द वर्ल्ड कि इट्स अ सीक्रेट या डोंट डिस्क्लोज दैट सीक्रेट। कीप मम उसी से रिलेटेड है। कीप मम का क्या मतलब होगा? चुप रहें, खामोश रहें, बी साइलेंट। अगला है मदर्स मिल्क। ये नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, खुराक के लिए इस्तेमाल होता है मदर्स मिल्क। तो ये जितने भी थे ये मदर्स के इडियम थे, मदर के रिलेटेड थे, जो भी हमने किए, मदर टंग हो गया, मदर विट हो गया, मदर नेचर, ये तमाम मदर के रिलेटेड थे। आपने इसको एक मरतबा दोबारा देखना है तो इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। अगले जो इडियम्स हैं वो ट्रांसपोर्ट के मुतलिक हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। हिट द रोड, ये कॉमन है, ये पीपीएससी में आ चुका है कई बार। हिट द रोड का क्या मतलब है? जब आप कोई सफ़र स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आई एम हिटिंग द रोड, मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जो नया सफ़र है उसको शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसे आप क्या कहते हैं? आई एम हिटिंग द रोड। अगला है इन द सेम बोट। जब आप एक बोट में होते हैं, आप एक कश्ती में, तो उस कश्ती में मौजूद हैं, अगर कश्ती को तूफ़ान आता है तो आप जो भी जो जो कश्ती में मौजूद है सब ने उसको फेस करना है। अगर कश्ती में कोई अच्छी चीज़ है खाने की है वो भी सबके लिए सेम है, कोई खुशी है, गमी है, जो भी है, क्योंकि एक ही बोट में, एक ही तरह की जब सिचुएशन हो, आप एक ही तरह की सिचुएशन में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन द सेम बोट। अगला है ऑफ हिज ट्राली। जब कोई बंदा पागल हो जाता है, जब कोई बंदा क्रेज़ी बातें करता है, इनसेन कमकली की बातें करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ही इज़ ऑफ हिज ट्राली। अली इज़ ऑफ हिज ट्राली, मतलब वो अपनी ऑफ हिज ट्राली का क्या मतलब है? क्रेज़ी बातें कर रहा है, इनसेन बातें कर रहे हैं। जंप द ट्रैक, अगला आइडियम है जंप द ट्रैक। इसका क्या मतलब है? जब आप सडनली क्या करते हैं, एक काम कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और सडनली आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तैयारी नहीं करी, मैंने बिजनेस करना है, तो आप फौरन से शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? जंप द ट्रैक। आप एक ट्रैक पे चल रहे थे, आपने उस ट्रैक को छोड़ दिया और एक नए ट्रैक पे चले गए। तो समझ आ गई होगी आपको हिट द रोड का क्या मतलब है, सफ़र स्टार्ट करना या कहीं से लीव करना। इन द सेम बोट का मतलब है सिमिलर सिचुएशन। ऑफ हिज ट्राली का मतलब है क्रेजी, इनसेन। और अगला है जंप द ट्रैक का क्या मतलब है? अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करना। अगले जो इडियम्स हैं वो डिबेट के बारे में हैं। जब आप मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं तो उस वक्त क्या इडियम्स होते हैं? पहला इडियम है आई एम इन टू माइंड्स। दो माइंड्स का क्या मतलब होता है? जिस तरह दो कश्तियों का सवार मतलब वो फैसला नहीं कर सकता, तो टू माइंड्स का क्या मतलब होगा कि आप डिसाइड नहीं कर सकते दो चीज़ों के बारे में, आके अब आप डिसाइड नहीं कर रहे, यू आर इन टू माइंड्स वेदर टू लीव द स्टडीज़ और स्टार्ट अ बिजनेस। आप इसमें टू माइंड्स में हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आई एम इन टू माइंड्स। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। जब आप 100% कोई राइट बात कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। नेल कहते हैं नॉर्मली उसको मेख, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कील, जब आप उसके ऊपर हथौड़ा लगाते हैं और बिल्कुल हेड के ऊपर लगे तो क्या करता है वो बिल्कुल अंदर चली जाती है लकड़ी के, तो उसे हम क्या कहते हैं? यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब 100% राइट बात आपने कही है, या आप 100% राइट हैं, ठीक हैं। टू प्ले डेवल्स एडवोकेट, टू कंसिडर एन अल्टरनेटिव आर्गूमेंट। आप क्या कहते हैं? कोई बात की गई है और आप उसके बिल्कुल अपोजिट एक आर्गूमेंट लेके आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टू प्ले डेवल्स एडवोकेट। एक बात हो रही है, बहुत से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अचानक से आप बिल्कुल ही एक अजीब सी बात उसके बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, कोई और बात लेके आ जाते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? यू हैव प्ले अ डेवल्स एडवोकेट। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको याद रखने के लिए ये दूँ,
कि फॉर एग्जांपल सब लोग बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में कि महंगाई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर दी है, इस तरह से हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, और अचानक से कोई बंदा आता है वो कहता है नहीं नहीं ये गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें तो आमदनी बढ़ गई है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि बात बिल्कुल वो अपोजिट एक नया आर्गूमेंट लेके आ गया है। अच्छा, यू टुक द वर्ड राइट आउट ऑफ माई माउथ, जब आप कोई बात कहना चाह रहे होते हैं और अचानक से कोई और बंदा वो बात कह देते हैं आपसे पहले, तो आप क्या कहते हैं, यार आपने तो मेरे अल्फाज छीन लिए हैं। इसका क्या मतलब है कि अभी बिल्कुल ये मैं बात कहने वाला था और आपने ये बात कह दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट जस्ट आई वॉन्टेड टू से, कि मैं अभी ये बात कहने वाला था और आपने कह दी है, तो उसको क्या कहेंगे, यू हैव टुक द वर्ड राइट आउट ऑफ माई माउथ। वी आर ऑन द सेम पेज, जब आप किसी चीज़ पे राज़ी हों, जब आप किसी चीज़ के बारे में एक जैसा सोचते हों, तो उसे हम कहते हैं वी आर ऑन द सेम पेज। देखें ना, जिस तरह ये लड़की और लड़का एक पेज के ऊपर पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, एक ही पेज पे हैं, एक ही पेज पे हैं, तो जाहिर है पेज पे जो कुछ लिखा हुआ वो उसी के साथ वो मुत्तफिक होंगे। तो जब दो लोग एक तरह सोचते हों तो उसके लिए इडियम यूज़ होता है वी आर ऑन द सेम पेज। अगला जो इडियम है आपके पास वो है बिज़नेस के रिलेटेड जो idioms हैं वो हैं नेक एंड नेक। जब आप बिल्कुल मुकाबला कर रहे हों, जिस तरह दो घोड़े भाग के जा रहे हैं, उनकी रेस लगी हुई है और दोनों का इतना सख्त मुकाबला है कि एक दूसरे की गर्दन के साथ गर्दन मिली हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेक एंड नेक। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल कंपटीशन में है, टू बी लेवल विद और एट सेम स्टेज एज कम्पटिटिव, जब बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला है और एक ही स्टेज पे आप लोग हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं ही इज़ नेक एंड नेक विद मी। इन द ड्राइवर सीट, अब ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को कंट्रोल करता है, गाड़ी चलाता है, तो जब आप ड्राइवर सीट में होते हैं तो इसका क्या मतलब है, आप मामलात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आप ड्राइवर सीट में होते हैं तो इसका क्या मतलब है, आप मामलात के इंचार्ज हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सिचुएशन है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। टू मूव द गोल पोस्ट, टू मूव द गोल पोस्ट, गोल पोस्ट का क्या मतलब होता है, वो जो डंडे लगे होते हैं गोल के। टू चेंज द रूल्स और टारगेट ऑफ एनी टाइम विदाउट कंसल्टेशन, अब क्या होने जा रहा है, आपने देखा है हम बचपन में खेलते थे तो पत्थर रख के ना फुटबॉल खेले जाते थे, पत्थर के पोल्स बनाए जाते थे, तो उसमें क्या हो कि अचानक से जब आप देखेंगे अपोनेंट कोई बंदा सबसे बाल छीन के लेके आ रहा है और वो गोल करने वाले, आप क्या करते हैं, उन पत्थरों को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, उस एरिए को जो गोल पोल की जो विड्थ थी उसको कम कर देते हैं। तो आपने क्या किया, अचानक से बगैर किसी के साथ मशवरा किए आपने जो गोल्स हैं या जो गेम के रूल्स हैं या टारगेट्स हैं उनको चेंज कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, टू मूव द गोल पोस्ट। लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, एक मरा हुआ घोड़ा है और आपने उसको रस्सी डाल के आप उसको खींच रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ऐसा एक्सरसाइज, ऐसा काम करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप मरे हुए घोड़े से कहेंगे कि वो आपका कोई काम करे या आपको सैर कराए या रेस करे, तो वो तो नहीं कर सकता। तो ऐसा काम, पॉइंटलेस एफर्ट जब आप करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अ लेवल प्लेइंग फील्ड, हम कहते हैं ना बाज़ूकात कि यार हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वरना हम भी तरक्की कर जाते। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको आर्गूमेंट सुनने को मिलेगा कि यार फलां बंदा तो इस वजह से तरक्की कर गया कि उसके पास बड़े रिसोर्सेज थे, हमारे पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, हमारे पास तो उस जितने रिसोर्सेज ही नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है, व्हेन एवरीथिंग इज़ इक्वल एंड फुल ऑफ एंड फॉर एवरी कम्पिटिटर, जितने भी कम्पिटिटर हैं उन सब के लिए चीज़ बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे कि हम इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। कीप योर आई ऑन द बॉल, इसका क्या मतलब है कि जब तक कोई काम हो रहा है, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके मुताबिक आप अलर्ट रहें। ठीक है, जैसे आप फुटबॉल में इसको एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप क्या करें, फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आपने बॉल पे पूरी पूरी नज़र रखनी है, तभी आप उसको हिट कर सकेंगे, तभी एक अच्छा स्ट्रोक कर सकेंगे। इस तरह आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो तभी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप गोल को रोक सकते हैं। तो कीप योर आई ऑन द बॉल का क्या मतलब है, टू स्टे अलर्ट एंड वॉच व्हाट यूर कंप्लीशन आर डूइंग, आप जो कर रहे हैं उसको
बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करें, उस पर अलर्ट रहें, उसे कहते हैं। माई हैंड्स आर टाइट, इसका क्या मतलब है? माई हैंड्स आर टाइट कि मैं यार मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं मजबूर हूँ। तो उसे हम क्या कहते हैं? माई हैंड्स आर टाइट, मतलब कि मैं इस सिचुएशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगला जो आइडिया है वो क्लोथ्स के बारे में है कि अंडर योर बेल्ट यू अचीव और अक्वायर समथिंग यू हैव सम एक्सपीरियंस। जब यार बंदा कहता है यार फलां चीज़ जो है ये इट्स अंडर माय बेल्ट, कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसका मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? इट्स अंडर माय बेल्ट। आपने कोई चीज़ हासिल की है तो आपने मेहनत की और आपने उस जगह मुकाम से गुजर के वो आपने चीज़ हासिल कर ली है, तो वो आपका एक्सपीरियंस बन गए। वो एक्सपीरियंस क्या है? इट्स अंडर योर बेल्ट। ठीक है, डाई विद योर बूट्स ऑन, जब आप क्या कर रहे हैं, डाई वाल जो बूट्स ऑन का क्या मतलब है? इसको एग्जांपल ऐसे लें कि आप कोई काम, आप वर्जिश कर रहे हैं, आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के दौरान ही फौत हो जाते हैं, तो मतलब टू डाई वाइल लीडिंग एन एक्टिव लाइफ, जब आप एक एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, एक मतलब एक सुस्त हो जाता है बंदा और एक एक्टिव होता है, हर वक्त बिजी होता है, एक बिजी लाइफ गुजारते हुए अगर आप मरते हैं तो उसे कहते हैं डाई विद योर बूट्स ऑन। टू बिग फॉर योर बूट्स, अगला idiom है टू बिग फॉर योर बूट्स, कोई चीज़ आपसे ज़्यादा, बींग फुल ऑफ योर सेल्फ, बिहेविंग एज इफ यू आर मे एनी वे मोर इम्पोर्टेंट दैन यू रियली आर। जब आप क्या करते हैं, अपने आप को या किसी चीज़ को उसकी वैल्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इट्स टू बिग फॉर योर बूट्स, कि ये उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वर्थ है, उससे ये चीज़ ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं इट्स टू बिग फॉर योर बूट्स। गेट योर निकर्स इन अ ट्विस्ट, गेट योर निकर्स इन अ ट्विस्ट का क्या मतलब है? टू बिकम अपसेट और एंग्री विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। खामखा ही बाज़ औक़ात क्या होता है, बंदे को गुस्सा आया होता है, कोई वजह नहीं होती, और बाज़ औक़ात बंदे का मूड ख़राब हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गेट योर निकर्स इन अ ट्विस्ट, खामखा ही बंदा परेशान हो गया। या इसका दूसरा भी है पॉप वन्स क्लॉक, इसका क्या मतलब है? मर जाना। पॉप्स वन क्लॉक, ये अब एक बिल्कुल न्यू है, ये आपने इसको ज़्यादा फोकस इस पर करना है क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, मैं पहली मरतबा पढ़ा हूँ, तो इस तरह के MCQs आ सकते हैं। पॉप्स वन क्लॉक का क्या मतलब है? टू डाई, मर जाना। डीप पॉकेट काफ़ी फेमस सेंटेंस है, आपने सुना होगा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा था चैनल पे कि जो रशिया इसराइली मीडिया है और इस तरह के जुमे, इनके पास डीप पॉकेट्स है, मतलब इनके बहुत ज़्यादा पैसा है और उस पैसे को ये यूटिलाइज़ करते हैं अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? डीप पॉकेट्स। नॉक योर सॉक्स ऑफ, टू सरप्राइज और इम्प्रेस समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नॉक योर सॉक्स ऑफ। नॉक योर सॉक्स ऑफ का क्या मतलब है? टू सरप्राइज और इम्प्रेस समवन। आई थिंक इतने काफ़ी हैं, हम अगली जो वीडियो में उसको मज़ीद करेंगे idioms को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी नई वीडियोस आती हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें, और साथ साथ ताकि ये तमाम चीज़ें आप करते रहें और पेपर तक आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। शुक्रिया।